क्या फाइनली डेडपूल एंड वुल्वरीन के अंदर हमें वुल्वरीन का मास देखने को मिलेगा? क्या ड्वेन द रॉक जॉनसन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ज्वाइन कर रहे हैं? और ब्लेड रनर की फ्रेंचाइजी आगे किस तरह से बढ़ रही है? इस हफ्ते ऐसे ही कुछ मजेदार अपडेट्स निकल कर आए हैं, तो उन सबसे अपडेट होने के लिए हेडफोन लगा लीजिए और आराम से बैठ जाइए। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एनी गेसेस कि इस हफ्ते की जी न्यूज़ की शुरुआत किससे होगी? करेक्ट, डेडपूल एंड वुल्वरीन। तो फाइनली अब जाकर रैन रॉन्स ने अपने इंस्टाग्राम पे इस बात को अनाउंस कर दिया है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन का पोस्ट प्रोडक्शन पूरी तरह से खत्म हो चुका है और मूवी एक्चुअली पूरी कंप्लीट हो चुकी है। साथ ही साथ इस हफ्ते इस मूवी के 6 नए पोस्टर्स को रिलीज किया गया है। इसके अलावा ट्रेड एनालिस्ट के हिसाब से ये मूवी काफी ज्यादा कमाल कर सकती है कलेक्शन के मामले में, जहां पर इस मूवी का ओपनिंग $239 मिलियन के हिसाब से प्रेडिक्ट किया जा रहा है। लेकिन वहीं पर टेलर स्विफ्ट फैंस के लिए एक बहुत ही सैड न्यूज है, क्योंकि एंटरटेनमेंट वीकली के हिसाब से इस मूवी के अंदर हमें टेलर स्विफ्ट किसी भी रूप में देखने को नहीं मिल सकती हैं। खैर, लगता है कि टेलर स्विफ्ट के साथ साथ उनके फैंस को भी अब टिश्यू की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा कुछ बड़े सेगमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर ब्लेड से काफी एक बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है, जहाँ पर इस मूवी के लिए 5वीं बार राइटर को चेंज किया गया है। और यहाँ पर महाशला अली और उनके लॉयर ने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि तकरीबन 5 साल से इस मूवी की कहानी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है और ये मूवी इतनी लंबे समय से अटकी हुई है। मेजरली इस मूवी के टाइमलाइन को लेकर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, जहाँ पर रिसेंटली इस बात को रिवील किया गया था कि ये मूवी पहले 1920 के जमाने में सेट होने वाली थी और ये बेसिकली एक MCU का प्रीक्वल मूवी होती, बट अब इसे मॉडर्न टाइम्स में सेट करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। इसके अलावा मार्वल की दूसरी प्रोजेक्ट यानी द थंडरबोल्ट्स मूवी की शूटिंग अब फाइनली खत्म हो चुकी है, जहां पर लास्ट वीक कुछ ऐसे सेट इमेजेस हमें देखने को मिले जो इस बात को एक्चुअली कंफर्म कर देते हैं कि जो रीशूट्स होने थे वो अब शायद इस मूवी के हो चुके हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी न्यूज है और वो है ड्वेन जॉनसन की तरफ से, जहां पर रिसेंटली एक न्यूज के हिसाब से ड्वेन जॉनसन की 7 Buck Pictures प्रोडक्शन ने डिज्नी के साथ पार्टनर किया है, जिसके अंदर वो डिज्नी के लिए मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। अब डिज्नी के अंदर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स भी आता है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को डेस्परेटली एक बड़े फेस की फिलहाल जरूरत है, तो बहुत सारे फैंस को इस बात का डर है कि कहीं डिज्नी वार्नर ब्रोस वाली गलती ना दोहराए और उन्हें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंक्लूड ना कर दे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ब्लैक एडम की वजह से वार्नर ब्रोस की क्या हाल हुई थी। पर सीरीज की बात हो रही है तो वंडर मैन सीरीज की भी बहुत ही लंबे समय से प्लानिंग चल रही थी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर, और अभी फिलहाल ये न्यूज आ रही है कि मार्वल इस सीरीज के साथ अपने 6 एपिसोड के फॉर्मेट को छोड़ सकता है और अपेरेंटली वो इस सीरीज के तकरीबन 10 एपिसोड्स को रिलीज कर सकता है। तो इसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पर एपिसोड उनके लेंथ को भी कम किया जाए, जहां पर 38 से 40 मिनट के फॉर्मेट में 6 एपिसोड्स को रिलीज किया जाता था, अब शायद हो सकता है कि 25, 30 या 35 मिनट के फॉर्मेट में पर एपिसोड्स को रिलीज किया जाए। वैसे भी शी हल्क, एक्समैन और वॉट इफ जैसी सीरीज ने ऑलमोस्ट 9-10 एपिसोड्स के साथ ही अपनी सीरीज को खत्म किया है। आगे बात करते हैं वुल्वरीन के मास्क की मिस्ट्री के बारे में, जो कि अब तक तो हमें ट्रेलर के अंदर देखने को नहीं मिला, बट बहुत सारे फैंस को यही लग रहा था कि हो सकता है कि वुल्वरीन सिर्फ और सिर्फ अपने सूट में ही देखने को मिले और उसके आइकॉनिक मास्क का कोई रेफरेंस ना देखने को मिले, बट अब शायद डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के अंदर वुल्वरीन के मास्क का हिंट देखने को मिल रहा है, जहां पर MCU के साथ कोलैबोरेशन में हॉट टॉयज ने अपने वुल्वरीन के नए एक्शन फिगर के कलेक्शन को रिलीज किया है, जिसमें उसे एक मास्क के साथ भी रिलीज किया गया है। तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि इस मूवी के अंदर हमें वुल्वरीन का मास्क भी देखने को मिल जाए। इसके अलावा आगे बात की जाए तो शायद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर कुछ और सीक्वल्स को प्लान किया जा रहा है, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज और शांग-ची के सीक्वल्स की प्लानिंग चल रही है और अपेरेंटली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर इनके सीक्वल्स को सीक्रेट वॉर से पहले रिलीज करने का प्लान किया जा रहा है, ताकि इनकी एस्टैब्लिशमेंट इस मूवी में काफी अच्छे तरीके से हो पाए, क्योंकि अपेरेंटली MCU के अंदर इन कैरेक्टर्स को सीक्रेट वॉर्स के अंदर एक बड़ा रोल देने का प्लान किया जा रहा है। एंड डेफिनेटली कॉमिक बुक के हिसाब से भी डॉक्टर स्ट्रेंज ओवरऑल एक काफी बड़ा रोल प्ले कर चुके हैं सीक्रेट वॉर्स के अंदर, तो उनका होना तो इस मूवी के अंदर बहुत जरूरी होगा। इसके अलावा एक बहुत ही लंबे समय से कुछ फैंस रायन गॉसलिंग को घोस्ट राइडर के रूप में देखना चाहते थे, तो इस हफ्ते कुछ काफी स्ट्रॉन्ग रूमर्स निकल कर आ रहे हैं कि शायद रायन गॉसलिंग को एज घोस्ट राइडर एक्सेप्ट कर लिया गया है।
ऑफ कोर्स एक्टिंग के मामले में रायन गॉसलिंग को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है एंड डेफिनेटली वो इस तरह के स्टोन कोल्ड कैरेक्टर को पुल ऑफ करने के लिए काफी ज्यादा सफिशियंट है। बस प्रॉब्लम ब्लेड वाली ना हो और इस कैरेक्टर को भी आगे आने वाले 5-10 साल के लिए लटकाया ना जाए। अब चलिए आते हैं डीसी की कुछ खबरों पर, जहां पर सबसे पहले सुपरमैन लेगेसी की बात करते हैं, जहां पर रिसेंटली जेम्स गन ने सुपरमैन लेगेसी की मूवी की स्लेट की फोटो को अपलोड किया, जिसमें क्लियरली इस मूवी का लोगो हमें साफ साफ देखने को मिला। इसके अलावा अगर बात करें क्रीचर कमांडोज की, तो ये सीरीज बेसिकली इस साल के एंड तक रिलीज होगी और ये डीसीयू का पहला प्रोजेक्ट होगी। इसके अलावा बात करते हैं चलिए वॉचमैन मूवी के बारे में, और मैं यहाँ पर जैक स्नाइडर वाले वॉचमैन के अडॉप्टेशन की बात नहीं कर रहा। वेल बेसिकली यहाँ पर वार्नर ब्रोस ने प्लान किया है यहाँ पर वॉचमैन के 2 पार्ट के एनिमेटेड मूवी को, जो कि बेसिकली कॉमिक बुक के हिसाब से काफी ज्यादा फेथफुल और पूरी तरह से इंस्पायर्ड होगी। और ये जैक स्नाइडर की मूवी से अलग इसीलिए होगी क्योंकि जैक स्नाइडर ने अपनी मूवी के अंदर एंडिंग को चेंज किया था और यहाँ पर इस चीज को अलग दिखाया जाएगा। इसके अलावा ब्लू बीटल का अपना एनिमेटेड टीवी शो लॉन्च होने वाला है, और जैसा कि जेम्स गन ने पहले भी इस बात को रिवील किया था कि एनिमेटेड मूवीज भी क्रॉसओवर करेंगी लाइव एक्शन के साथ, तो यही चीज बेसिकली डीसीयू के साथ भी जुड़ने वाली है। अब देखना होगा कि इसमें ज़ोलो मार्दुवेनिया ब्लू बीटल का रोल प्ले करते हैं या नहीं। अब चलिए फाइनली आते हैं हॉलीवुड की न्यूज पर, जहां पर बॉयज का सीजन 4 इस वीक रिलीज हो चुका है, लेकिन सबसे सरप्राइज की बात यह है कि अब तक इस सीरीज के 4 एपिसोड्स को रिलीज किया जा चुका है और इन्हीं एपिसोड के दम पर ये सीजन इस सीरीज का सबसे क्रिटिकली लोएस्ट साबित हुआ है। बट हो सकता है कि आने वाले एपिसोड पासा पलट दें। बाय द वे एरिक क्रिपनी ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि इस सीरीज का सीजन 5 एक्चुअली इस पूरे सीरीज को कंक्लूड कर देगी। इसके अलावा साथ में ही रिलीज हो चुकी है हाउस ऑफ ड्रैगन, जहां पर इसका सीजन 2 रिलीज कर दिया गया है, और साथ ही साथ इसके सीजन 3 की भी कंफर्मेशन आ चुकी है। इसके अलावा ब्लेड रनर की भी फ्रेंचाइजी से कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं, जहां पर अपेरेंटली ब्लेड रनर 2049 के सक्सेस के बाद अब ब्लेड रनर 2099 पर काम चल रहा है, जो बेसिकली एक सीरीज होने वाला है। और फिलहाल तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, पर फिलहाल एक्टर हंटर स्क्रेफर को इस सीरीज के लिए कास्ट किया गया है। और फाइनली एक और न्यूज आ रही है रेबल मून की तरफ से, जहां पर एक्चुअली रेबल मून का अब फाइनली डायरेक्टर्स कट आ रहा है और इन दोनों पार्ट्स की डायरेक्टर कट्स को एक साथ रिलीज किया जाएगा, जिसके कारण हो सकता है कि डेफिनेटली हर जैक स्नाइडर मूवी की तरह इस बार भी जैक स्नाइडर के फैंस 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएं। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको इस हफ्ते की और कौन कौन से अपडेट्स के बारे में मालूम है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्द ही आपको एक नए वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोज को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।